नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रीमा प्रसाद। दिन भर की भागदौड़ के बीच अगर आप खबरों की दुनिया से दूर रहें या फिर टाइम की कमी के चलते आप अपने जिले अपने संभाग की बड़ी खबरों से रूबरू नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए एक स्पेशल न्यूज शो शुरू किया है जिसका नाम है राजस्थान एट 10 बजे। आधे घंटे का ये शो देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हर संभाग से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि हर जिले में क्या कुछ हो रहा है। तो ये रिपोर्टर्स आपको आपके शहर जिले और संभाग की बड़ी खबरों से रूबरू करवाने के लिए तैनात हैं। इस आधे घंटे में आप हर उस खबर से बाखबर होंगे जो या तो सीधे आपसे जुड़ी है या फिर आपके आसपास घटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला और शुरू करते हैं राजस्थान एट 10 बजे। तो सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर का, जहां आज दिन भर सिलेबस को लेकर सियासत होती रही। क्या है मामला और कौन कर रहा है सियासत, पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अगली बार से विद्यालयों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ अध्याय और जोड़े जाने को लेकर फैसला लिया है, जो कि समिति ने फैसला लिया है मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद उसे मुहर लगा दी गई है, जिसमें आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास भी बताया जाएगा जो कि दो भागों में होगा। उसके बाद डोटासरा ने आरोप लगाया पिछली भाजपा सरकार पर और कहा कि उन्हें आरएसएस नहीं आरएएस चाहिए, इसीलिए पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेसीकरण शिक्षा का जो कांग्रेस करने जा रही है वो ठीक नहीं है। मिसाल कांग्रेस के सामने है, देश में कितना सा सिमट कर रह गई है कांग्रेस, लेकिन गांधी परिवार की मिजाज पुरसी के चलते इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। पिछली भाजपा की सरकार बच्चों को आरएसएस बनाना चाहती थी, हमारे गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार बच्चों को आरएएस बनाना चाहती है। मतलब अगर कांग्रेस ये काम करती कि आरएस बनाने का काम करती तो 55 साल में कई लोगों को बना देती, तो ये दुर्गति देखने का अवसर नहीं मिलता। केवल बातें कह देने से कोई पाठ्यक्रम खराब नहीं होता। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आगामी दिनों में शिक्षा को लेकर फिर से बवाल होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस सरकार जो है वो अपने फैसलों को सही करार देती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयानों के जरिए कांग्रेस पर वार तो करती ही है और पाठ्यक्रम के जरिए विरोध भी दर्ज कराने का फैसला ले सकती है। सियासत के बाद अब बात करते हैं क्राइम की और रुख करते हैं जयपुर संभाग के अलवर जिले का, जहां एक ही मामला सुर्खियों में है और वो है पपला गैंग की फरारी का मामला। लेकिन अब एसओजी ने इस गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज क्या अपडेट रहा इस मामले में, अश्विनी यादव बता रहे हैं। हरियाणा के इनामी बदमाश पपला गुर्जर को बहरोड की हवाला से छुड़ाने के मामले में एसओजी ने 6 बदमाशों को नामजद कर लिया है। इन सभी 6 बदमाशों के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। बदमाश में एक आकाश यादव रेवड़ी का निवासी है, जबकि बाकी 5 खैरोली महेंद्रगढ़ के निवासी हैं। खैरोली विक्रम उर्फ पपला का ही गांव है। इन सभी बदमाशों ने फायरिंग कर थाने से विक्रम उर्फ पपला को छुड़ा लिया था और फिर विक्रम उर्फ पपला फरार हो गया था। विक्रम उर्फ पपला के खिलाफ भी बड़ा इनाम घोषणा करने की तैयारी चल रही है। उधर अलवर में आज मोहन भागवत भी एक दिवसीय दौरे पर रहे। यहां कमलनाथ आश्रम पर बाबा कमलनाथ से मुलाकात के बाद जब बहरोड लौट रहे थे। क्राइम के बाद अब बात आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी खबर की, तो इन दिनों एक खास बीमारी ने दहशत फैला रखा है। हम बात कर रहे हैं कांगो फीवर की, जिससे जोधपुर में 2 लोगों की जान चली गई है। राजीव गौड़ से लेते हैं पूरे मामले की जानकारी।
वर्ष 2014 के बाद एक बार फिर पैर पसारने वाले कांगो फीवर के चलते जोधपुर में हालात कहीं न कहीं चिंताजनक बन गए हैं। दो मरीजों की एम्स में हुई मौत के बाद 6 संदिग्ध भी सामने आए हैं, तो वहीं चिकित्सक के अलावा नर्सिंग कर्मी के संदिग्ध पाए जाने के बाद उनका लगातार इलाज किया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन ताजुब इस बात का है कि कुछ अभी भी पशुपालकों के इलाके हैं जहां पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों की और कर्मचारियों की टीम नहीं पहुंची है। इसके चलते मिल्कमैन कॉलोनी के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि ये रोग क्या है और कैसे होता है। हालांकि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने जिस तरीके से बुरुंदा और चोखा में मरीज सामने आने के साथ ही उस इलाके में तो जिस तरीके से दवा का छिड़काव कराने से लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है और सर्वे की कार्रवाई भी की है, वहीं दूसरी ओर बुरुंदा में जिस 40 साल की महिला की मौत हो गई थी उस मामले में भी अंतिम संस्कार में आए जो लोग हैं उनके भी सैंपल लिए गए हैं। परिवार के लोगों के अलावा आसपास जो पड़ोसी है उनके भी सैंपल लिए गए हैं। लगातार कांगो फीवर को लेकर के जो संयुक्त चिकित्सा निदेशक है डॉक्टर युधवीर सिंह के अलावा CMHO डॉक्टर बलवंत मंडा सक्रिय हैं, तो वही जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यही नहीं, एम्स के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा वो जो भर्ती डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी को लेकर के पूरी गंभीरता बरत रहे हैं। जो संदिग्ध सामने आए हैं उनका भी इलाज उसी अनुरूप कर रहे हैं जो कानून और कायदे बने हुए हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के चिंता है कि कहीं ये जो जानवरों से फैलने वाला कांगो फीवर है वो भयावह रूप नहीं ले ले, इसलिए जागरूकता की भी कोशिश की जा रही है। मगर पशुपालन विभाग की बात करें तो यहाँ जिस तरह की बात सामने आई है उसके चलते कहीं ना कहीं अभी तक जो पशुपालक है उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। वही नर्सिंग कर्मी और खुद पशु चिकित्सक हैं अपने हाथ में ग्लोव्स नहीं पहन रहे, तो ऐसे में इस बीमारी के फैलने का खतरा लगातार बरकरार है। राजीव, ये तो थी कांगो की बात, लेकिन जोधपुर संभाग में ही आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट और घायलों के फिलहाल हालात क्या बने हुए, जरा दर्शकों को अपडेट कीजिए। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसके चलते एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में अगर पीछे को बची है तो एक मासूम बच्ची जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। नागौर के रहने वाले राव परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने जाएंगे और दर्शन भी नहीं होंगे और वे मौत के मुंह में चले जाएंगे। जिस तरह सफारी जीप और बस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर यह हादसा हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं जिनका पोखरण के अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार जो नागौर में रहते हैं शोक छा गया है। पोस्टमार्टम के बाद तमाम जो प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई है मगर क्षेत्र के लोगों के लिए सबक है कि जिस मोड़ पर ये दुर्घटना हुई है वहाँ अब वाहनों को धीरे चलाना होगा, अन्यथा इस तरह के और भी हादसे पेश आ सकते हैं। हालांकि इस पूरे हादसे को देखते हुए जैसलमेर और रामदेवरा के पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 3 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया मगर जो जिंदगियां चली गई है उन्हें तो वापस नहीं लौटाया गया है। रुक करते हैं बीकानेर का, जहां एक और दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें लापरवाही में 3 जिंदगियां गिर गई है। क्या है पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी खबर आज आंखों को नम कर देने वाली रही। यहां बीकानेर जिले के जामसर थाना इलाके के जलालसर गांव में एक जलकुंड में 2 युवक उतरे थे सफाई के लिए, दोनों ही युवक कुंड के भीतर अचेत हो गए। ऐसे में तीसरा युवक मदद के लिए कुंड में गया लेकिन वह भी बेहोश हो गया। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया और संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM में पहुंचाया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। थाना अधिकारी का कहना है कि संभवतः जलकुंड बेहद पुराना था और काफ़ी समय से बंद पड़ा था, ऐसे में जहरीली गैस के चलते ये हादसा हुआ है। तीनों ही युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। नौकर थे अजमेर का, जहां आज की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र विश्नोई। बदमाशों ने फिर दिया अजमेर पुलिस को चैलेंज। बाइक सवार बदमाशों ने आदर्श नगर इलाके में की चेन स्नैचिंग, महिला की चेन तोड़कर बदमाश हुए फरार। CCTV में कैद हुई पूरी घटना।
अजमेर के आदर्श नगर में वंदना अपने घर से सब्जी खरीदने निकली थी कि वहीं कुछ ही दूरी पर बाइक सवार दो बदमाश उसके पीछे आए और एक बाइक सवार बाइक लेकर आगे निकला, वहीं दूसरा युवक बाइक से नीचे उतरा और महिला के गले में झपट्टा मार सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। वहीं महिला घटना के बाद नीचे गिर गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित महिला ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में लगातार हो रही चोरी और लूट की वारदातों ने कहीं ना कहीं अजमेर पुलिस की रात्रि गश्त व नाकेबंदी पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। रोक करते हैं लेक सिटी का, जहां आज की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कुमार शर्मा। सबसे कम उम्र की तैराक के रूप में इंग्लिश चैनल पार करने का गौरव हासिल कर आज लेक सिटी उदयपुर की गौरवी अपनी सरजमी पर पहुंची। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर गौरवी सिंघवी का इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने और खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल गौरवी ने सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल की दूरी को पार किया है और ये भी एक बड़ी बात है कि उदयपुर में गौरवी सिंघवी से पहले भक्ति शर्मा ने भी इस उपलब्धि को हासिल किया। ये मेरे लिए प्राउड की फीलिंग है कि मैं इंडियन जैसे इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर पाई एंड आई होप मैं आगे भी ऐसे ही कर पाऊँ। और अब आगे क्या मंजिल है आपकी, एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, अब नेक्स्ट मुकाम क्या सेट किया, क्या गोल? नहीं, अभी मेरे को स्कूल जाना है वापस, इतनी लंबी छुट्टी हो गई है, बट डेफिनेटली मैं लॉन्ग डिस्टेंस में कंटिन्यू करूँगी। उदयपुर के लिहाज से ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी हो जाती है चूँकि उदयपुर की ये दोनों ही जलपरियाँ यानी कि भक्ति शर्मा और अब गौरवी प्रदेश में दो खास शख्सियतें हैं जिन्होंने की इंग्लिश चैनल को सबसे कम उम्र में पार किया है और यही वजह रही कि खेल प्रेमियों ने गौरवी का जमकर उत्साहवर्धन किया और उन्हें एक रैली के रूप में लेकर उदयपुर शहर तक पहुंचे। और अब बात कोटा संभाग की करते हैं, तो कोटा में आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सचिन ऊंचा। गणपति बप्पा की महाविदाई की तैयारियां हुई पूरी। 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में शामिल होंगे 125 से ज्यादा अखाड़े, झांकियां और भजन मंडलियां, लाखों लोग होंगे शोभा यात्रा में शामिल। दोपहर 12 बजे सूरज पोल दरवाजे से ये भव्य शोभा यात्रा शुरू होगी जो केथुनी पोल, रामपुरा, खाई रोड होते हुए बाराद्वारी तक पहुंचेगी। केथुनी पोल चौराहे पर अखाड़ों के उस्तादों का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा सम्मान किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी केथुनी पोल में अपने पैतृक निवास से शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। शोभा यात्रा के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं और सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। शांति व्यवस्था के लिए 5 एरिया मजिस्ट्रेट, 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 17 अखाड़ा समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही शोभा यात्रा में 14 ASP, 32 DSP, 75 CI, 675 RAC और 800 होमगार्डों के जवानों के साथ 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभालेंगे। चिकित्सा टीमों को अलर्ट करने के साथ आसमान से नज़र रखने के लिए 3 ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। ये अनंत चतुर्दशी का पर्व अपने 12 तारीख को कोटा में मनाया जाएगा। आप सबको विदित है कि ये कोटा का ही नहीं पूरे संभाग का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें 150 से अधिक झांकियां, 60 से अधिक अखाड़े भाग लेंगे और बहुत लंबा जुलूस है जो लगभग 5 किलोमीटर के पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जो ट्रेडिशनल परंपरागत जुलूस का मार्ग है। इसके इंतज़ाम के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रतिमाओं का विसर्जन किशोर सागर तालाब में होगा जहां नगर निगम के गोताखोरों की विशेष टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन क्रेन के द्वारा कराया जाएगा। तो आप तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, आपके जरिए हमने जिलावार संभागवार अपने दर्शकों तक तमाम खबरें पहुंचाई और अपडेट किया। लेकिन इस बीच कुछ और अन्य खबरों का भी हम जिक्र करते हैं। चित्तौड़गढ़ के सिलसिले में हम बात करते हैं जहां जिला मुख्यालय पर भी अनंत चतुर्दशी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले भर में गुरुवार को सुबह से ही गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन शुरू हो जाएगा। ज्यादातर गणेश प्रतिमाएं गंभीरी नदी के तट पर विसर्जित होंगी। शहर में गणेश प्रतिमाओं के निकलने वाले जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। शहर में और जिले में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न हो,
इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हम गत सप्ताह से इसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त संख्या में वर्दीधारी जाब्ता, सादा वर्दी में जाब्ता लगाया गया है। रूट पर पड़ने वाले संवेदनशील मकानों पर भी हम जाब्ता तैनात कर रहे हैं, साथ ही ड्रोन से भी पूरे जुलूस पर निगरानी रखी जाएगी। आज इस संबंध में हमने जो ड्यूटी पर तैनात होने वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सब की मीटिंग भी ली है, उन सबको सेंसिटाइज किया है। शाम को होटल और धर्मशालाओं आदि की चेकिंग भी की जा रही है, स्थिति पर पूरी तरह से निगरानी है। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। डूंगरपुर में राष्ट्रीय कवि हरीश हंगामा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हरीश निजी बस से सवाला में कवि सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। इस बीच उनकी आगे की सीट पर बैठी महिला ने उन पर चेन स्नैचिंग की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को बुलवा लिया, जिन्होंने कवि की जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, जहां कवि ने खुद को निर्दोष बताया, साथ ही महिला से माफी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। खबर अलवर जिले से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलवर जाने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि बुजुर्ग घायल हो गया। भागवत के स्कॉट में शुमार गाड़ियों के चालकों के मुताबिक सामने से एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आ रहा था। बाइक के हैंडल पर सामान भी लटका हुआ था। उसके आगे एक गाड़ी थी, जिसे ओवरटेक करते हुए बाइक असंतुलित हो गई और घिसटते हुए जामर वाली गाड़ी के पीछे जा गिरी। इसके बाद पीछे आ रही कमांडो स्कॉट ने अपनी गाड़ी खेत में उतार दी। इस बीच आरएसएस प्रमुख ने दोनों को कारकेट में चल रही एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे की मौत हो गई जबकि घायल बुजुर्ग को जयपुर रेफर कर दिया गया है। भागवत ने मृतक बच्चे के लिए संवेदनाएं जाहिर की है, साथ ही घायल के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अगली खबर दौसा से है, जहां जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या की सनसनीखेज मामले में दो दोषियों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 300 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले के अनुसार बाणा का बरखेड़ा गांव निवासी गोविंद सहाय गुर्जर का शव 4 अप्रैल 2017 को गणेशपुरा रोड पर सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। मामले में पुलिस ने आरोपी मोतीलाल और मुकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काश्तकार और खेतीहर मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब खेत पर काम करते समय करंट लगने से मौत होने के अंग भंग होने, जानवरों के हमले, जहरीले जीवों के काटने जैसी दुर्घटना से पीड़ित किसान और खेतीहर मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी कई अन्य परिस्थितियों को योजना के दायरे में शामिल किया गया है, जो कि अभी तक इस योजना में शामिल नहीं थी। अभी तक खेती कार्य के दौरान ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी से हादसा होने के बाद अंग भंग होने या मौत होने पर ही योजना का लाभ मिलता था। अब इसमें अन्य वाहनों को भी शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और रिफाइनरी के लिए यातायात प्रवाह प्रबंधन योजना बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रिफाइनरी से उत्पादों के परिवहन और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल हाईवे 25 पर जल्द यातायात प्रवाह प्रबंधन योजना बनाई जाए। इसके तहत रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्रों में माल परिवहन गलियारा बने, साथ ही हाईवे के जोधपुर के बाड़मेर के सेक्शन को 6 लेन किया जाए। सीएम ने कहा कि रिफाइनरी शुरू होने के बाद यहां बड़ी तादाद में वाहनों का परिवहन होगा, ऐसे में 2 और 4 लेन के सेक्शन को चौड़ा करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत वहां केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात भी कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बीकानेर सर्किट हाउस में विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर जनसुनवाई की है। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंगल सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग बिजली से संबंधित समस्याएं लेकर मंत्री कल्ला को ज्ञापन देने पहुंचे। जनसुनवाई में अधिकतर ज्यादा बिल आने की समस्या को लेकर लोग पहुंचे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को इन मामले में उचित जाँच के निर्देश दिए हैं।
और अगली खबर जैसलमेर से है, जहां कालीधार बटालियन के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रुद्रशिला अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज मेजर जनरल तरुण कुमार आइज ने सैन्य स्टेशन से रुद्रशिला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक का सफर करेगा, जो सबसे कठिन और खतरनाक रैपर्स के तौर पर है। हम आपको बता दें कि यह अभियान 1 से 4 अक्टूबर तक चलेगा। और बात जोधपुर की है, जहां आज ब्राह्मण क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी के लोहारा और मेयर घनश्याम ओझा ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 12 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जस्टिस लोहारा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों में खेल भावना बढ़ती है, तो वहीं मेयर ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वहीं इंटरनेशनल ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत ने बताया कि ये आयोजन समाज को एकजुट करेगा। वहीं प्रतियोगिता में विजेता टीम को 31,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन इंटरनेशनल ब्राह्मण फेडरेशन और S19 क्लब की ओर से किया जा रहा है। खबर बीकानेर से है, जहां लालगढ़ पैलेस में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 13 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें देश विदेश के 70 से ज्यादा बुद्धिजीवी शिरकत करेंगे। आयोजक प्रोफेसर दिव्या जोशी ने बताया कि इस संगोष्ठी में चिंतन और विमर्श के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में रिसर्च के साथ साथ हम लोकल कलाओं को, नेटिव आर्टिस्ट को, इंडिजिनस आर्ट्स को प्रॉपर स्पेस और जगह दे रहे हैं, जिससे उन कलाओं के रिवाइवल का हम एक छोटा सा प्रयास कर सकें कि वो जो लोकल आर्टिस्ट हैं और वो जो लोग आगे इस आर्ट फॉर्म्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस क्रिएटिविटी का स्पेस हम प्रोवाइड करके हम चाहेंगे कि हम लगातार निरंतर पूरे साल हम इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी करें जिससे उन कलाओं का प्रमोशन हो।